नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गायत्री डीजे साउंड पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे, ये जो आप पीछे सेट देख रहे हैं, हमारा डीजे सेटअप जो लगा हुआ है, इसका जो फोटो दिख रहा है, इसी के बारे में आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि हमने इसमें कौन कौन सा सामान यूज़ किया है, कौन से बॉक्स यूज किए हैं और पूरी डिटेल बताएंगे डीजे के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ये हमारा डीजे सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। ये हमारा डीजे सेट लगा हुआ है, फ्लोर डीजे जिसे कहते हैं हम, यही सेटअप है हमारा। आज हम इसी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपके लिए सामने से दिखाते हैं, तो ये आपके लिए 9 फ्लोर देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों, ये हमारे 9 फ्लोर लगे हुए हैं, 4x4 फिट का एक फ्लोर है हमारे, ये 9 फ्लोर लगे हुए हैं। सबसे पहले आपके लिए एक 9 फ्लोर देखने को मिल जाता है, फ्लोर 9 फ्लोर मतलब 12 फिट 12 फिट चारों साइड से, 12x12 का ये फ्लोर है हमारा डीजे फ्लोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो हम आपके लिए दिखाते हैं ये हमारा सामने डीजे लगा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बॉक्सों की, तो इसमें हमारे डीजे बॉक्स लगे हुए हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। हमारे ये 4 टॉप लगे हुए हैं 15 इंची के, हमने 4 टॉप में 500 वाट का स्पीकर यूज किया है 4 टॉपों में, और हमारे 4 टॉपों में 450 हाइज है, मतलब एक एक बॉक्स में डबल ट्यूटर लगा हुआ है, 450 दो ट्यूटर लगे हुए हैं एक ही बॉक्स में हमारे, मतलब 4 टॉप हैं ये 15 इंची के, तो हमारे 8 ट्यूटर लगे हुए हैं हमें, 450 चार बॉक्सों में 8 हाइज लगी हुई हैं 450 की। नीचे आपके लिए देखने को मिल जाते हैं, ये हमारे 2 भेस रखे हुए हैं, 18 इंची भेस हैं ये हमारे दोनों, और 1200 1200 वाट के इसमें दोनों बेसों में 4 स्पीकर यूज किए हैं, एक बेस में 2 स्पीकर हमारा, इसमें ये स्पीकर 1200 1200 वाट का स्पीकर यूज हुआ है। और ऊपर आपके लिए ये देखने को मिल जाते हैं, आपके लिए 12 इंची के बॉक्स हैं ये, हमारे JBL मॉडल के भी, ये भी JBL मॉडल, और हमारे चारों टॉप भी JBL मॉडल, मतलब JBL मॉडल के सारे सिस्टम यूज हुआ है हमने। ये हमारे बॉक्स आपके लिए 12 इंची स्पीकर में यूज किया हमने, जो आप बीच में आपके लिए 3 बॉक्स देखने को मिलते हैं, इसमें हमने 12 इंची का 200 वाट का स्पीकर यूज किया है, 200 वाट के दो दो स्पीकर एक बॉक्स में यूज किए हैं, मतलब 3 बॉक्स में 6 स्पीकर हो गए। और इसमें ट्यूटर की बात करें, तो हमने इसमें भी 450 का ट्यूटर यूज किया है दोस्तों, 3 हाइज हैं इसमें, प्रत्येक डिब्बे में 1 हाइज है, एक बॉक्स में 1 हाइज, मतलब 3 ट्यूटर इसमें यूज किए हमने। हमारे पूरे सेटअप में 11 हाइज देखने को मिल जाते हैं, चार टॉपों में डबल डबल हाइज करके 8 हाइज हैं, और 3 12 इंची में, मतलब 11 हाइज लगी हुई है हमारे सेटअप में सारे में। और बात बॉक्सों में तो सिर्फ इतना ही था, बात करें हम इसके एम्पलीफायर की, चलिए हम अपने एम्पलीफायर की बात करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं एम्पलीफायर की, तो हमने इसमें 3 एम्पलीफायर यूज किए हैं दोस्तों। मैं पीछे वाली साइड में फ़ोटो से वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए पीछे वाली साइड दिखा नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये बाद में डीजे के कमेंट बॉक्स में आए थे कि डीजे की वीडियो बताइए, तो मैं अब बता रहा हूँ आपके लिए। इसमें हमने 3 एम्पलीफायर यूज किए हैं, 3 स्टैंडर्ड 3000 वाट के 2 2 एम्पलीफायर यूज किए हैं हमने, 2 स्टैंडर्ड, और तीसरा एम्पलीफायर है हमारा वो 700 वाट का एम्पलीफायर है, जो हमने 3 12 इंची यूज किए हैं, 700 वाट से लगाए हमने, स्टेंजर 701 है PBT, और हमारा स्टेंजर 1 3000 वाट से, तो हमने 2 टॉप 1 बेस चलाए हो, और दूसरे स्टेंजर 3000 वाट से हमने 2 टॉप 1 बेस चलाई है, और इसमें हमने मिक्सर भी 12 पिन का यूज किया है, स्टेंजर 12 पिन, और स्टेप्लायर की बात करें तो हमने 10 KB का इसमें स्टेप्लायर यूज किया है। और दोस्तों, बात करें हम इसमें अपनी LED लाइट की, तो हमने इस पर 3 ट्रेस यूज किए हैं, 2 ट्रेस खड़े किए हैं और एक उस पर कसा है पट करके, और इस पर हमने 6 LED लाइट कसी हैं, मल्टी LED लाइट है हमारी ये, हमने ये LED लाइट कसी है इस पर।
तो दोस्तों मैंने डीजे में जो सामान यूज किया था उसके बारे में सारी जानकारी आपके लिए दे दी है और बताया भी है कि हमने इसमें कौन सा स्पीकर या कौन सा सामान यूज किया है उसी के बारे में बताया था, और एम्पलीफायर सब कुछ हमने बता दिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपके लिए वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे चैनल पे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। अगर आपको इस डीजे सेटअप की टेस्टिंग भी चाहिए तो कमेंट करके हमें बताना, मैं अगली वीडियो में इसकी टेस्टिंग भी डाल दूंगा। इस डीजे की जो हमारा सेटअप लगा हुआ है इसकी मैं टेस्टिंग भी डाल दूंगा। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, जब तक के लिए जय श्री राम।